मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी यूं ही नहीं कहा जाता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से वादा किया था, घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा। अब मोदी सरकार इस गारंटी को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मोदी सरकार ने उद्योग और वाणिज्य विभाग को 836 कनाल 5 मरला भूमि के स्थानांतरण की मंजूरी दी है, जिससे अनंतनाग, शोपियां और बडगाम जिले में औद्योगिक संपदा को विकसित किया जाएगा। मोदी सरकार ये भी सुनिश्चित करने में जुटी है कि आवंटित भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक विकास के लिए हो, और वो भी 3 साल के अंदर। इसके अतिरिक्त सरकार जम्मू कश्मीर में 7 नए औद्योगिक एस्टेट्स बनाने जा रही है। रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयास का परिणाम दिखने लगा है। प्रसिद्ध श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन ने जम्मू कश्मीर में 1600 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दुबई की MR ग्रुप श्रीनगर में शॉपिंग मॉल और IT टावरों के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान कर चुकी है। मोदी सरकार के प्रयास जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बन चुका है। फिलहाल प्रदेश में निवेश के लिए कुल 6909 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे 1.2 लाख करोड़ के निवेश आने की उम्मीद है। इससे जम्मू कश्मीर में करीब 4,69,000 नए रोजगार के मौके बनेंगे। विकसित जम्मू कश्मीर, समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है।